हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन बेरी। और मेरा नाम है हर्षित बेरी। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं जिस चीज़ पे बात करने वाला हूँ वो आप ही व्यूअर्स द्वारा हमारे को क्वेश्चन पूछा गया है, और एक नहीं मल्टीपल व्यूअर्स मल्टीपल सब्सक्राइबर्स ने हमारे से ये क्वेश्चन पूछा है। डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन पूछा है, साथ ही साथ में कमेंट्स में भी पूछा है कि आप लोग ये जानना चाहते हो कि जब आप ई कॉमर्स बिजनेस अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो पे चालू करते हो तो आपको ये डाउट रहता है कि हम कोई फेमस ब्रांड को सेल करें या फिर हम प्राइवेट लेबल ब्रांड करें। तो हम एनी टाइम यही आपको गाइडेंस देते हैं, यही आपको सजेशन देते हैं कि आप प्राइवेट लेबल ब्रांड से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, क्योंकि फ्यूचर में चल के वही आपकी गुडविल बन जाती है, वही आपकी ऑनलाइन ब्रांड एक तरीके से प्रॉपर्टी बन जाती है जिसका आप बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक ले सकते हैं। तो सेकंड डाउट आपका रहता है कि सर ठीक है, अगर आप बता रहे हैं कि प्राइवेट लेबल ब्रांड करना चाहिए तो ठीक है, हम प्राइवेट लेबल ब्रांड से ही स्टार्ट करते हैं, बट अब हमें ये बताइए कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी में हम प्राइवेट लेबल अपना लॉन्च करें, हम अपना ब्रांड लेके हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट, कौन से ऐसे आइटम्स या कैटेगरीज हैं जिसमें प्राइवेट लेबल ब्रांड लाना एक अच्छा डिसीजन होता है। तो ऐसे क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसी भी बहुत सारे आइटम्स और कैटेगरीज होती है जिसमें प्राइवेट लेबल ब्रांड को उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, क्योंकि कस्टमर का फोकस या कस्टमर का माइंडसेट उसी तरीके से रहता है कि वो पर्टिकुलर उस कैटेगरी में वो चाहता है कि मैं कोई फेमस ब्रांड का आइटम ही लूँ। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा व्यूअर्स काउंट बहुत अच्छा है बट हमारा सब्सक्राइबर काउंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए लाते रहें रिगार्डिंग सेलिंग ऑन अमेजोन फ्लिपकार्ट और मीशो, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम किस कैटेगरी में, किस प्रोडक्ट्स में हम स्पेसिफिक आपको सजेस्ट करते हैं कि आप प्राइवेट लेबल करिए ना कि ब्रांड करिए। तो बात को ध्यान से सुनना। तो देखिए, अब जो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं, आप एज अ कस्टमर सोचिएगा कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप जब भी मार्केट में बाय करने निकलते हैं, परचेस करने निकलते हैं, तो आपको दिमाग में ऐसा नहीं रहता यार इस ब्रांड का ये लूंगा, इस ब्रांड का वो लूंगा। तो जब ऐसे जो भी आइटम्स हैं जो आप देखिए ऐसे कस्टमर सोचिए कि यार आप बहुत ज़्यादा ब्रांड स्पेसिफिक नहीं है, अगर डिज़ाइन अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, प्राइस अच्छा है तो आप ले लेते हैं, बस उसी तरीके के प्रोडक्ट आपको प्राइवेट लेबल में स्टार्ट करने हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब कस्टमर भी आपके प्रोडक्ट को देखेगा तो अगर उस तरह के प्रोडक्ट होंगे तो उसी के दिमाग में भी ये नहीं आएगा कि यार मेरे को स्पेसिफिक ब्रांड ही चाहिए। अगर आप अच्छा कोई प्रोडक्ट ले आए, अच्छी इमेजेस उसकी लिस्टिंग अच्छी है, साथ ही साथ में आपकी प्राइस अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, रिव्यूज ठीक ठाक हैं, तो वो आपका प्रोडक्ट बाय कर लेगा और वो बाय करता चला जाएगा और यही लॉन्ग टर्म में आपका एक बिजनेस बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमने अमेजोन खोला हुआ है। अमेजोन में देखिए, अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब आप जैसे मार्केट गए शॉपिंग करने, अब मार्केट गए, अब जैसे एक ये वाइपर है किचन का वाइपर, तो आपके दिमाग में रहता है कि यार मैं कोई इस ब्रांड का वाइपर लूंगा, ऐसा बहुत ज़्यादा हमारा फोकस नहीं रहता है ना। आपको क्या रहता है, मार्केट में देखेंगे, डिज़ाइन देखा, अच्छा है, प्राइस ठीक ठाक है, तो आपने ले लिया। ठीक है, इस तरह के ये जो आइटम है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट है। एक दो और एग्जांपल दे दूँ, अब ये जैसे कंटेनर्स हैं कुछ, तो ये कंटेनर है जैसे, अब आप ऑफलाइन मार्केट भी जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप ब्रांड स्पेसिफिक तो रही है कि यार मैं तो उसी ब्रांड का लूंगा कंटेनर, नहीं आपको ये अच्छा, ये जैसे ये डिज़ाइन अच्छा है, आपने आपको पसंद आया, प्राइस ठीक ठाक लगा, तो आपने ले लिया। तो इस तरह के जो भी आप आइटम्स हैं, ये मैं होम एंड किचन कैटेगरी बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारे स्पेसिफिक आइटम्स हैं जिसमें कस्टमर ब्रांड स्पेसिफिक नहीं होता है, उसको ये बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं होता है यार मैं तो उसी ब्रांड का लूंगा। अब किन प्रोडक्ट में होता है, मैं जैसे एक और एग्जाम्पल ले आऊँ, ईयरबड्स, अब ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, वायर वाले जो ईयरफोन होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया ईयरबड्स ने। अब देखिए, अब जब आप ईयरबड्स मार्केट में जाएंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन लेने, तो आपके दिमाग में क्या होगा कि यार ब्रांडेड लेना है, वो ऐसा कोई प्राइवेट लेबल ब्रांड को आप एक बार को अवॉइड करेंगे और आप हाईली अट्रैक्ट होंगे कि मेरे को ब्रांड लेना है, भले ही वो जैसे बोट का आप ले लें या फिर वन प्लस का है, नॉइस का है, ये सारे जो ब्रांड्स दिख रहे हैं आप, मतलब ये सारे
ब्रांड है सारे अपने आप में, कोई ऑनलाइन स्पेसिफिक ब्रांड है, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ है, बट सारे फेमस ब्रांड, सबने आपने सुना हुआ है इनका नाम। और उसी के कारण ये देखिए कि ये जो ये कैटेगरी है, इस तरह की कैटेगरी, ये ब्रांड, फेमस ब्रांड डोमिनेटेड कैटेगरी होती है। इन इन सारी कैटेगरी में अगर आप अपना प्राइवेट लेबल कोई आज के तौर पे फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं, तो आपको अपना बिजनेस बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, खासकर कि अगर आप स्मॉल स्केल या फिर एक मीडियम स्केल सेलर हैं। तो आप ये ओपन भी करेंगे तो देखना कि बहुत ही कम ऐसे होंगे जो आपको शो करेंगे फर्स्ट सेकंड पेज पे कि कोई बहुत ही नया ब्रांड आया, वो शो कर दिया, ऐसा होता ही नहीं। ये देखिए सारे मिवी, पीट्रॉन, मिवी वापस, बोल्ट, बोट, ये सारे जो है सब सारे ब्रांडेड है। तो यही बिक रहे हैं, यही आ रहे हैं डिस्प्ले, क्योंकि कस्टमर यही लेना प्रेफर कर रहा है। ठीक है, तो आपको बात समझ आई होगी। अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ बेडशीट्स का। बेडशीट एक ऐसा प्रोडक्ट है, डिजाइन अच्छा हुआ, क्वालिटी अच्छी हुई, तो आपको दिमाग में ऐसा नहीं होगा कि यार बेस्ट मैं तो उसी ब्रांड का लूंगा। कोई आपका जैसे इसमें भी है ब्रांड्स, इसमें भी है काफी फेमस ब्रांड्स है इसमें, बट इस बहुत ज्यादा कस्टमर जब खरीदने जाता है तो उसके दिमाग में बहुत ज्यादा वो फोकस नहीं होता है कि मेरे को वही ब्रांड का लेना है। डिजाइन अच्छा हुआ, प्राइस अच्छा हुआ, कलर अच्छा हुआ, क्वालिटी अच्छी हुई, तो वो आपका प्रोडक्ट ले लेगा। तो इस तरह की जो भी कैटेगरीज हैं, इस तरह का जिसमें भी लॉजिक सेट होता है, वो सारी कैटेगरी में आप अपना ब्रांड प्राइवेट लेबल स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें काफी अच्छा स्कोप रहेगा फ्यूचर में भी आपका आगे बढ़ने का। मैंने बहुत डिटेल में बात करी, आपको समझ आई होगी मेरे को जहां तक लगता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि कैसी कौन सी प्रोडक्ट लाइन है, कैसी कौन सी कैटेगरीज है जिसमें आप अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे, भले ही वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, आप सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर अब ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज हमको इसी वीडियो पे एक लाइक दबाइए, साथ ही साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो आपको इस बार करके ही जाना है। इसके अलावा अगर आपको ई कॉमर्स की ट्रेनिंग चाहिए, हम डायरेक्ट 1-to-1 पर्सनलाइज ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे। तो अगर आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो भी हम दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।